एक्स्ट्रा स्पाइसी कर रहे हैं भैया। अरे इतना कितना करोगे भैया? 39 सैंडविच में जितना लगेगा उतना मेरी अकेली पे लगा हुआ है। इससे खतरनाक चीज बनते हुए देखे नहीं है मैंने। अभी हमें अहमदाबाद में वासु काकानी सैंडविच पर और यहाँ हम ट्राई करने आए हैं इंडिया की नहीं दुनिया की सबसे स्पाइसी सैंडविच। कौन सी सैंडविच बन रही है ये? वेजिटेबल गार्लिक मसाला सर। वेजिटेबल गार्लिक मसाला, ये वही सबसे स्पाइसी होती है? हाँ। और ये इतनी सारी एक साथ बन रही है? एक साथ 40 बनेगा। आप खाते हो स्पाइसी? मैं भैया बहुत ज्यादा स्पाइसी खाता हूँ। ऐसा है? कितना स्पाइसी खाओगे आप? जितना आप खिला सको। देखो ये ग्रीन चटनी, ये ग्रीन चटनी लगाई जा रही है। हाँ ये ग्रीन चटनी। ये मिर्ची वाली है क्या? मिर्ची है, हरी मिर्ची है। हरी मिर्ची की चटनी है ये? हाँ। तो देखिये सारी ब्रेड के ऊपर पहले लगाया बटर, उसके बाद लगाई गई है मिर्ची की चटनी। तो बहुत हल्की लगा रहे हो भैया। ये स्पाइसी होता है इसके लिए कम लगा देते। ये मेरे लिए एक्स्ट्रा स्पाइसी कर रहे हैं भैया। अरे इतना कितना करोगे भैया? ये तो दुनिया की सबसे स्पाइसी हो जाएगी। ये गार्लिक चटनी है, ये गार्लिक चटनी है। हाँ। ये भी तीखी होती है, ये स्पाइसी वाला है। ये भी स्पाइसी है। हाँ। तो ये भी आपने इतनी लगा दी है। हाँ। लगता है भैया मेरी अहमदाबाद की जर्नी आज ही खत्म कराने वाले हैं। और देखिए बाकी सब पे भैया ने हल्का हल्का लगाया है और मेरे लिए कितना लगता है जितना 39 सैंडविच में जितना लगेगा उतना मेरी अकेली पे लगा हुआ है। आपने बोला ना फुल स्पाइसी। अरे फुल ही खाई जाएगी भैया। तो ये देखिए बाकी सैंडविचेस पर लगाई जा रही है गार्लिक चटनी और एक बार आप डिफरेंस देख लीजिए बाकी सब में कितनी लग रही है मेरे वाले में कितनी लगी है। ये देखिए प्याज काटी जा रही है इनके ऊपर। वास्तुकार बिल्कुल मशीन की तरह काटते हैं प्याज को और ये चकुंदर डाली जाएगी। इसको यहाँ गुजरात में बीटरूट बोलते हैं। बीटरूट डाली जा रही है इसके ऊपर। तो ये जो अंकल सबसे स्पाइसी सैंडविच बनी है किसी ने खाई भी है क्या पहले कभी? ये बहुत सारे ने खाई है। और हालत कैसी रही उनकी खाने के बाद? ये चाट मसाला डाला जा रहा है। अब देखिए टमाटर डाला जा रहा है इनके ऊपर। तो सैंडविच जो है काफी हेल्दी है अगर थोड़ी देर के लिए मिर्चों को भूला जाए। अब ये देखिए इसके ऊपर और चाट मसाला डाला जा रहा है। ये देखिए टमाटो केचप की बारिश की जा रही है सैंडविच के ऊपर। अब इसके ऊपर ककड़ी आएगी तो ककड़ी काटी जा रही है पहले। और ये देखिए ककड़ी लगाई जा रही है सैंडविच के ऊपर। देखिए और मसाला डाल दिया गया है इसके ऊपर अब। और ये मेरे लिए और थोड़ा मतलब अगर पहले कम थी मिर्ची की चटनी तो और इतनी ज्यादा लगा दी गई है। तो लगता है आज मेरा स्पाइसी खाने का शौक खत्म होने वाला है। आज आखिरी डे होगा मेरा स्पाइसी खाने का। अभी और भी है। ये क्या दीजिए? गार्लिक। इसके ऊपर और गार्लिक। गाइस मैं श्योर हूँ इतनी स्पाइसी सैंडविच एग्जिस्ट नहीं करती है दुनिया में जितनी ये बनी है। अब साथ में क्या दिया है? टमाटो केचप। तो ये इसके ऊपर क्या दीजिए? मूंगफली। और ये इसके ऊपर सेव डाली है। सेव। और इसके बाद में ये क्या चीज अंकल? ये साबुत लहसुन। साबुत लहसुन। तो गाइस ये आ गई है दुनिया की सबसे स्पाइसी सैंडविच। पिछले 8-9 सालों में बहुत खतरनाक चीजें ट्राई करी है बट बनते हुए मैंने देखा है ना इससे खतरनाक चीज बनते हुए देखे नहीं है मैंने। 40 सैंडविच से भी ज्यादा तीखी चीजें इसमें एक सैंडविच के अंदर है। तो मैं अपनी जान पे खतरा लेता हूँ और ट्राई करता हूँ आगे कैसा टेस्ट आएगा। हल्का हल्का लगा अभी तो मेरे को। टेस्ट में मिर्ची कम है आफ्टर टेस्ट में बहुत ज्यादा आ रही है। खाने के बाद लगनी शुरू हो रही है मिर्ची। किधर अपनी कोल्ड ड्रिंक किधर है? गाइस तीखा कितना भी हो टेस्ट भी बहुत ज्यादा है क्योंकि मिर्ची के साथ लहसुन का बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हालत खराब हो गई है लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आया है मैं पूरी फिनिश करूंगा। लाजवाब चीज है। और ये नहीं कि केवल मिर्ची डाल दी है तो नॉनसेंस बहुत सारी मिर्ची डाल दी ऐसा नहीं है। इतनी सारी मिर्ची होने के बाद भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग रही है। वो अलग बात है मेरे नाक कान से धुएं निकल चुके हैं पूरे चेहरे पसीना आ चुका है और हर 20 सेकंड के बाद मुंह मेरा और स्पाइसी होता जा रहा है। इनिशियली इतनी स्पाइसी नहीं थी बट खाने के साथ साथ बहुत स्पाइसी होती जा रही है। मजा आ गया पसीना देखो। बस गाइस कोई 10 मिनट हो चुकी हैं। पूरा मुंह जल रहा है पूरा मुंह मेरी जीभ में आग लगी हुई है बिल्कुल। तो अगर आपको सच में स्पाइसी ट्राई करना है ना ये वो जगह है। आ जाइए और देख लीजिए कितना दम है आपने स्पाइसी खाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पूरे इंडिया का सबसे अच्छा वेजिटेरियन फूड। एंड नो मैटर वेयर यू आर आई विल फाइंड यू एंड आई विल मेक यू हंग्री।